इमाम तकीउद्दीन सुबकी दे हवाले नाल उस्ताद साहब बार बार गल्लां फरमांदे सन, बार बार गल्लां फरमांदे सन। आप सतवीं हिजरी च आलम रब्बानी होए, आप दे कोल एक फतवा पूछा गया कि ईसाई औरत ने हजूर दी गुस्ताखी की, तो दसो उस दे बारे की हुक्म है। तो आपने फरमाया उन्हें कतल कर दिता जाए, लेकिन एक दुख रहा कि वह कतल मैं अपने हथ ना नहीं कर सकया। तो आपनू यह दुख इस गल दा सी कि यह खाली दुख रखना दिल च यह भी काफ़ी नहीं, खाली इस गल दा रंज होना कि असी कुछ नहीं कर सके यह भी काफ़ी नहीं, उन्दे वास्ते कुछ अमलन करना भी जरूरी है। तो फिर आपने अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी कि मैं ऐसी किताब और ऐसे हवाला जात और ऐसी एक तसनीफ दे के जावांगा उम्मत नू कि कयामत तक मेरे नबी दा उम्मत ही, मेरे नबी दा आशिक जदो भी उन्हें पढ़ेगा तो मचल जाएगा इस तरह। फिर अल्लाह ताला ने इस कलम तो बहुत सारे को कम लिया कि राय मोहम्मद कमाल जैसा एक राइटर उठाया, उसने गाजी अलमुद्दीन शहीद किताब लिखी बा खुदा, उसके चार सफ़े पढ़न तो बाद इंसान अपने आप तो बाहर हो जाता क्योंकि आशकों दी गल्लां ना और वह भी सच्चे आंदियां। फिर उन्हें लिखा नामूस रिसालत के साथ शहीद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंसान के अंदर एक इश्क की अग जला दें शोला। यह सारा कुछ मेरे कायद नू अजबर सी, असी तो सिर्फ हवाले दे सकते हैं ना, ये मेरे कायद नू अजबर सी, जितों शुरू करो उतों गल अगो। हजूर की उम्मत हजूर नाल वफा करे बस, और इसे वफा च बकाए, अगर ये वफा नहीं तो सारा कुछ फनाए, अमल होवे साले होवे दुनिया होवे दीन सब कुछ फनाए, इससे वफा च बकाए, अगर ये वफा नहीं तो सारा कुछ फनाए। और एक गल तुहानू इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी जिन्हां दे इस्तकामत दी शबी असी कह सकते हैं साडा कायद है, जिसको मरकत का भी शबिस्तान रास ना आया, कलंदर तह खाक तड़पता है। आप फरमान लगे कि आले कुफर के साथ बुग्ज़ो अनाद रखना ये असले ईमान है, ये असले ईमान की अलामत है। इससे दे मुकाबिल ये आख्या जाए कि अपने नाल हजूर दे गुलामा नाल मोहब्बत रखना, उल्फत रखना, ये भी ईमान की अलामत है। आखिरी हदीसे पाक हजरत अनस बिन मालिक को रिवायत है कि तीन लोग जिन्होंने बगैर हिसाब किताब तो जन्नत दाखिल कर दिता जाएगा, वो तीन लोग कौन हैं? वो तीन लोग वो हैं, एक वो शख्स जड़ा घर तो निकलिया इस नीयत नाल कि मुसलमाना दा लश्कर है, मैं इस शामिल हो जावा ताकि उसकी शानो शौकत उसका रोब दबदबा बढ़ जाए। ये वो शख्स है जिसन क्यामत आए दिन अल्लाह बगैर हिसाब किताब तो बख्श देगा। और दूसरा वो शख्स जड़ा इस नीयत नाल निकलिया कि मैं अल्लाह की रात जिहाद करांगा, मैं काफिरों तक कतल करांगा, मुशरिकों कतल करांगा, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों तक कतल करांगा, लेकिन मेरी खुद शहीद होने की तमन्ना नहीं। फरमाया क्यामत आले दिन उसका घुटना तो जनाब खलीलुल्लाह का घुटना बराबर होएगा, इस तरह मिले होएगा। और तीसरा वो शख्स जड़ा इस नीयत नाल घरों निकलिया जिहाद की नीयत नाल कि आज काफिर मेरे हथों जितने कतल होन वह भी मारांगा, अगर मैं अल्लाह की राह शहीद हो जावा तो यह भी जहे नसीब। फरमाया क्यामत आले दिन वो इस हाल च पेश होएगा कि जिस हथियार नाल उसने जिहाद किया होएगा उन्हें बरहना करके इस मोढ़े ते रखा होएगा, तो वह लोगों नूं कहिंदा आ रहा होएगा राह दे दिओ असी हजूर दे दीन वास्ते अपनी जान कुरबान करना। और अगली गल बड़ी मजेदार है, आने लगे कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत आले दिन अगर उलुल अज़्म रसूलां नूं कहेगा ना सानू राह दिओ दिओ तो वह भी राह दे देंगे। अल्लाह ताला सानू आखिरी गल ते अमल करन दी तौफीक, सानू आखिरी नंबर ते रखे कि असी हजूर दे दीन दे वास्ते हजूर दे दुश्मनां दी गर्दन उतार भी सकीए, जे देनी पै जाए तो अंज अगे और बाखुशी दे दईए, और इस नीयत ना दे दईए कि या रसूल अल्लाह मेरा तन भी तुहाडे वास्ते, मेरा मन भी तुहाडे वास्ते, मेरा असा सब कुछ रखे ही हजूर वास्ते। क्योंकि साढ़े कायद के सामने कोई कहता सी कि कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, आप फरमाते सन और झल्या असा गर्दन बता दी, अल्लाह ताला साड़िया गर्दन वधी हुई कबूल कर लवे, और इस दे सदके इन्हां दी बरकत नाल अल्लाह ताला साढ़े कायद के खलूस की बरकत नाल एक जर्रा खलूस सानू भी देवे, और इन्हां मेहनतों रायगा ना जान दे, साढ़े अमाल नू अकारत ना करे, सानू अमल की तौफीक दे, और साढ़े अंदर वो इखलास और मोहब्बत और उल्फत भर दे,
वह तड़प भर दे कि असी हजूर दे दीन नू तख्ते ले आईए और फिर उत्थे बैठ के कहिए कि इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अल्हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान।